बर्बाद है इनकी सरकार। लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बैरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। आज संत हिरदाराम नगर में भाजपा के उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा, रामेश्वर शर्मा एक ऐसे विधायक हैं जो 365 दिन में हर घंटे जनता की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। संत नगर सहित हजूर विधानसभा का सौभाग्य है कि ऐसा कर्मठ विधायक क्षेत्र की जनता को मिला है। मैं क्षेत्र की अन्य उपलब्धियों के साथ साथ सिंगारचोली फ्लाईओवर निर्माण के लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपने जनता से जो वादे किए वो पूरे भी किए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में चुनावी गतिविधियों के संचालन हेतु भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मैं किसी भी पद पर चला जाऊं, मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा कार्यकर्ता ही रहूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के संस्कार हैं, यह किसी अन्य दल में देखने को नहीं मिलेंगे। जनता के प्रति हमारी जवाबदारी हमारे कर्तव्यों में शामिल है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हमारा सिद्धांत है। हमने विकास एवं योजना के सभी मानक समान रखे हैं। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हम सबका साथ सबका विकास करने में हम विश्वास रखते हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भाजपा कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पधारे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का पुष्पमाला से अभिनंदन किया। आज हमारा संत नगर के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे वरिष्ठ नेता सुशील वासवानी जी, डॉक्टर धर्मेंद्र साहब और पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्तमान मंडल अध्यक्ष चंद भैया तमाम नेताओं ने कार्यालय का उद्घाटन किया। आज से विधिवत इस मंडल का काम, चुनावी काम इस कार्यालय से संचालित हुआ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।